हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम मेरे इसरो का जो इंटरव्यू है उस एक्सपीरियंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसे आपको पता होगा, ये जो इसरो की वैकेंसी थी साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करने वाले हैं, तो ये वैकेंसी 2019 में आई थी। ये जो नोटिफिकेशन था ये 2019 में आया था। उसके बाद 2020 में इसका एग्जाम हुआ था और फिर कोविड के कारण इसका इंटरव्यू डिले हो गया था। फिर इंटरव्यू एक और बार डिले हुआ, दूसरी जब सेकेंड वेव आई कोरोना की। तो उसके बाद ये जो इंटरव्यू हुआ था ये 23 जुलाई 2021 को हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने थे। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, आपकी जो मार्कशीट है, ये कुछ नहीं लेके जाना था। ये सब सारी चीजें आपको ऑनलाइन अपलोड कर देनी थी, मेल से उन्होंने मांगी थी, तो ये सारी चीजें आपको अपलोड कर देनी थी। अब उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वो डॉक्यूमेंट क्या क्या थे, सबसे पहले आपका जो कॉल लेटर, ये जो सामने दिख रहा है ये कॉल लेटर ही है, ये एक डॉक्यूमेंट मांगा था। दूसरा, आपकी वैलिड फोटो आईडी, जो आपकी ओरिजिनल फोटो आईडी, वो एक मांगी थी, और उसकी एक फोटोकॉपी, और एक कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जो कि मस्त थी, जिसके कारण बहुत सारे जिसकी पॉजिटिव आ रही थी कोविड रिपोर्ट, उनके इंटरव्यू कैंसिल भी हो रहे थे, बाद में उनको अलाउ किया जा रहा था। दूसरी चीज, अगर आप किसी पीएस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां से आपको एक एनओसी चाहिए थी। उसके अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म था जो कि वेबसाइट से डाउनलोड करना था और उसको लेके जाना था, और एक टीएडीए का फॉर्म था जो कि आपको लेके जाना था। इतने ही डॉक्यूमेंट थे जो कि आपको सेंटर पे लेके जाने थे। अब जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो रीजनल रिमोट सेंसिंग था, RRSC, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कोलकाता में हुआ था 23 जुलाई को, और उन्होंने वो बैच वाइज लोगों को बुला रहे थे। तो जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 8:30 सुबह में 8:30 बजे का था। तो ये जो रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कोलकाता में है, ये न्यू टाउन में है, वहां पर ये इंटरव्यू हुआ था। तो अब अगर हम बात करें तो ये इंटरव्यू जो हो रहे थे ये वर्चुअल मोड में हो रहे हैं, यानी कि जो पैनल है वो कहीं और बैठा है और आपको रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में एक रूम में जाना है, वहां पे स्क्रीन लगी हुई है, वहां पर पैनल वर्चुअल बैठा हुआ है, यानी वो कहीं और बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको उस स्क्रीन पर पूछ रहे हैं। तो अब जैसे आप सभी को पता होगा कि इसरो के इंटरव्यू एकदम प्योरली टेक्निकल होते हैं, बिल्कुल दाएं बाएं आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो प्योरली फोकस्ड होते हैं आपके टेक्निकल स्किल्स पे, टेक्निकल इंटरव्यू होता है पूरा का पूरा। ज्यादा कुछ आपसे ना एचआर के बारे में पूछेंगे, थोड़ा बहुत किसी किसी कैंडिडेट से पूछा जाता है, इसरो के कोई एक मिशन पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसरो का जो इंटरव्यू होता है वो प्योरली टेक्निकल होता है। तो जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, तो इस बार ऐसा हो रहा था कि अगर आप 5 फेवरेट सब्जेक्ट बता भी रहे हैं तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस, वो उन 5 से शायद पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट तय किए हुए हैं, वो उसमें से पूछ रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है तो वो एक मेटेरियल साइंस का सब्जेक्ट है और एक डिजाइन सब्जेक्ट है। ये 2 सब्जेक्ट में उनका सबसे ज्यादा मेन फोकस है, मेटेरियल साइंस और डिजाइन पे सबसे ज्यादा फोकस इसरो पैनल का है इस बार, जैसा सबसे डिस्कशन करने के बाद पता चला, और मेरा खुद का भी, मैंने भी अपने जो 5 फेवरेट सब्जेक्ट बोले उसमें से मैंने पहले नंबर पे जो फेवरेट सब्जेक्ट बोला था वो मेटल साइंस बोला था, उसके अलावा फ्लूड मैकेनिक्स, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मेटल और हीट ट्रांसफर, ये 5 सब्जेक्ट बोले थे। इसमें मेटल साइंस से तो पूछा ही गया, इसके अलावा डिजाइन से भी पूछा गया, यानी कि इन 2 सब्जेक्ट से वो मेजरली पूछ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन जो पूछे गए, मैं उनके बारे में अगर यहाँ पर डिस्कशन करूँ, तो अगर जैसे मेटल साइंस की अगर बात करें तो मेटल साइंस में से जो क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले इनकोनल, फिर उसके बाद मोनल, फिर उसके बाद हेस्टा एलोय, हेस्टा एलोय, उसके बाद सुपर एलोय, इनके बारे में पूछा गया कि ये क्या होते हैं। फिर पूछा गया कि इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, इनमें चारों में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता होगा इनमें एलिमेंट्स का डिफरेंस है, जैसे मोनल में कॉपर रहता है, किसी में निकल रहता है, तो ये इन इनमें आपस में डिफरेंस है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया मेटल साइंस से। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कास्ट आयरन के बारे में, कि कास्ट आयरन
क्या होता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। फिर पूछा गया डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट आयरन बताओ, जैसे ग्रे कास्ट आयरन हो गया, उसके बाद व्हाइट कास्ट आयरन हो गया, उसके बाद नोडुलर कास्ट आयरन हो गया, फिर मेलिएबल कास्ट आयरन हो गया। तो ये ग्रे जो कास्ट आयरन है इनके बारे में पूछा गया। फिर उसके बाद पूछा गया कि नोडुलर कास्ट आयरन में ऐसा क्या होता है कि उसमें जो एक तरह से ग्लोब्यूल या स्फेरिकल एक तरीके से बन जाते हैं, तो उसमें ऐसा क्या चीज होती है जिससे ये स्फीयर्स की फॉर्मेशंस होती है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद पूछा गया, अगर हम मेटल साइंस से ही बात करें, तो पूछा गया कि ये टीटीटी डायग्राम क्या होता है। टीटीटी डायग्राम, जैसे आपको पता होगा, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, और इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि इसका जो डायग्राम है उसको आप व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करो, मतलब सामने एक व्हाइट बोर्ड भी है जिस पे आपको इसको ड्रॉ करना है। तो टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन इस डायग्राम को ड्रॉ तो करो ही करो, और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करो, इस चीज को आपको एक्सप्लेन भी करना है, व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके, और इस पूरे डायग्राम को आपको ड्रॉ करना था। तो ये मेटल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए कि इनकोरन मोनल हेस्टेलॉय सुपरलॉय, फिर उसके बाद कास्ट आयरन के टाइप, फिर उसके बाद आपको टीटीटी डायग्राम के बारे में ये सब पूछा गया। फिर उसके बाद अगर डिजाइन से क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर मैं डिजाइन से क्वेश्चन की बात करूं, तो डिजाइन से उन्होंने उन्होंने बोला कि आप बोल्ट का डिजाइन करो, कि बोल्ट का डिजाइन करना है आपको। तो बोल्ट का डिजाइन में, और उसके बाद यह भी चीज पूछी गई कि इसमें टॉर्क और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब क्या कैसे फोर्स और टॉर्क के बीच में यहां पर रिलेशन आता है। फिर उसके बाद जो बोल्ट होता है उसमें प्री कंप्रेशन या प्री टेंशन क्यों दी जाती है, प्री टेंशन उसको क्यों दी जाती है बोल्ट को, ये एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद बोल्ट में कौन कौन से टाइप की फोर्सेस आती हैं, बोल्ट की जो वर्किंग है उसके दौरान कौन कौन सी फोर्सेस उसमें आती हैं, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद वो आ गए थ्रेड्स पे कि थ्रेड्स पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड बताओ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड उन्होंने पूछा कि कौन कौन से टाइप के थ्रेड होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा वी थ्रेड्स होते हैं, स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं, एक्मे थ्रेड्स होते हैं, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड्स होते हैं, बटरेस थ्रेड, ये सारे टाइप के थ्रेड्स हैं, इनमें किसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद पूछा गया कि जो लेथ मशीन होती है उसमें किस टाइप का थ्रेड होता है। और यहाँ पर एक और चीज जो पूछी गई यहाँ पर, जो ये जो ग्रे कास्ट आयरन है, यहाँ पे जो ग्रे कास्ट आयरन ये कहाँ पर यूज होता। तो आपको जैसे पता होगा कि जो लेथ मशीन का जो बेड रहता है वहां पर ग्रे कास्ट आयरन को यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो एक तरीके से ये इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ग्रे कास्ट आयरन की, तो इसके लिए इसको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया कि जो नोडुलर कास्ट आयरन है उसको कहाँ पे यूज किया जाता है। फिर एक कास्टिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और सैंड कास्टिंग में क्या डिफरेंस है। दो ये अलग अलग कास्टिंग है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रोडक्शन से ये क्वेश्चन थे, कास्टिंग के एरिया से ये क्वेश्चन थे, जो जबकि ये फेवरेट सब्जेक्ट में नहीं बोला था, और ना ही डिजाइन को फेवरेट सब्जेक्ट में बोला था। तो ऐसा जरूर नहीं है कि अगर आप पांच फेवरेट सब्जेक्ट बोलते हैं तो वो पांच फेवरेट सब्जेक्ट सही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर मैं बात करूं और बच्चों से भी, जैसे और बच्चों से जो पूछ रहे थे उनका भी यही कहना था कि वो मेनली ये नहीं है कि अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो उसी में से पूछ रहे हैं, वो कहीं से भी पूछ रहे हैं। जैसे एक एक लड़के से क्वेश्चन पूछा गया कि जो कार है और एरोप्लेन है उसमें से फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका ज्यादा होगा। फिर उसके बाद किसी से रैंकान साइकिल और ब्रेटन साइकिल के बारे में पूछा गया। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनसे वही पूछा जा रहा है जो आप फेवरेट सब्जेक्ट में बता रहे हो। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।